हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए जावास्क्रिप्ट का एक और अमेजिंग चैप्टर लेके। यहां पे हम लोग क्या सीखेंगे दोस्तों, कंडीशन हमारा चल रहा था दोस्तों, हम लोगों ने इफ कंडीशन को समझा था और इफ के साथ एल्स को भी समझ लिया था हम लोगों ने, लेकिन एल्स इफ हमारा छूट गया था। यानी कि हमें इस चैप्टर में एल्स इफ को समझना दोस्तों, लेकिन इससे पहले आपको क्या सीखना है, इससे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, जावास्क्रिप्ट से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे जावास्क्रिप्ट से पहले आपको सबसे पहले एचटीएमएल पढ़ना है, फिर सीएसएस पढ़ना है दोस्तों। एचटीएमएल और सीएसएस का कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो जाए आप लोग को जावास्क्रिप्ट पे हाथ नहीं लगाना है दोस्तों। आप मेरे राय के मुताबिक चलेंगे दोस्तों, बहुत फायदे में रहेंगे और आपको वेब डेवलपमेंट आसानी से आ जाएगी। अगर आप थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीखेंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा, है ना। आपको सबसे पहले एचटीएमएल और सीएसएस का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है दोस्तों। कैसे क्लियर करना है वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो किसी और के यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपकी मर्जी। जहां पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, जिसके पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे दोस्तों, आप वहां पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए दोस्तों। मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे CSS का प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ, यानी HTML और CSS से, प्योर HTML और CSS से बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ। यानी आपको वहाँ पे जाके देखना चाहिए दोस्तों इस प्रोजेक्ट को, और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी CSS प्रोजेक्ट 2 देखना चाहिए और CSS प्रोजेक्ट 1 देखना चाहिए अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपका CSS का और HTML का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके दोस्तों, बिना देरी के चलते अपने VS Code में और इस वाले चैप्टर को अचीव कर लेते हैं। यानी जो ये वाला हमारा चैप्टर है JavaScript सब्जेक्ट में जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ पे ऑलरेडी कितना चैप्टर हो गया ये देख लीजिए, 25 ऑलमोस्ट 25 वीडियो बना चुका हूँ मैं जावास्क्रिप्ट सब्जेक्ट में। आप लोग को एक एक करके सबको देखना, लेकिन देखने से पहले आपको HTML और CSS आना चाहिए, तभी आपको देखना। बिना देरी के चलता अपना VS Code में और यहाँ पे आ जाता हूँ मैं। सबसे पहले देख लीजिए, कंट्रोल एन करूंगा यानी कि नया पेज लगूंगा, कंट्रोल एस करूंगा डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर दूंगा किस नाम से, जो हमारा एल्स इफ कंडीशन। तो यहाँ पे लिखता हूँ एल्स _ if else if.html। ओके दोस्तों, इसका एक्सटेंशन कोड हम लोग HTML क्यों रख रहे हैं, बार बार मैंने ये चीज़ बता दी है आप लोग पहले ही कि हम लोग HTML इसका क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें इसको अभी HTML के साथ ही इंटीग्रेट करना है दोस्तों। प्योर जावास्क्रिप्ट में कोड नहीं करना है, हमें HTML के साथ ही इसको पढ़ना है। ओके दोस्तों, बिना देरी के यहाँ पे शिफ्ट प्रेस और नॉट इक्वल टू प्रेस करिए और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको HTML फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं टाइटल को चेंज करूंगा, यहाँ पे जो हमारा कंडीशन पढ़ना वो एल्स है, एल्स इफ कंडीशन को पढ़ना दोस्तों, वो यहाँ पे टाइटल में वही लिख देता हूँ। ओके, सबसे पहले स्क्रिप्ट को इनेबल कर लूंगा मैं यहाँ पे। स्क्रिप्ट को इनेबल क्यों करते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे मैं कर सकूँ। ओके, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं एक्स नाम का, और इसमें मैं कुछ स्टोर कर दूँ, यानी कुछ नंबर स्टोर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, 30 स्टोर कर देता हूँ। ओके दोस्तों, 30 मैंने स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, इफ एक्स जो है हमारा लेस देन या ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन देता हूँ 10, यानी जो हमारा एक्स है वो 10 से अगर बड़ा है, अगर 10 से बड़ा है तब क्या होना चाहिए वो तो हम तब यहाँ पे लिखेंगे अलर्ट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 is greater than 10, यानी कि जो 30 है हमारा वो 10 से बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी इसमें अगर आप और कंडीशन लगाना चाहते हैं दोस्तों, यानी आप और चीज़ इसमें कंडीशन लगाना चाहते हैं, यानी एल्स इफ में चल जाएंगे आप, है ना, एल्स इफ लगाएंगे यहाँ पे, यानी सॉरी एल्स इफ आप लगाएंगे, एल्स और इफ एक साथ लगाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे एल्स इफ। यानी अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी ये वाली कंडीशन अगर नहीं हो रही है, तो आप एक और कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर कि एक्स हमारा अगर जो एक्स है हमारा अगर छोटा हुआ हमारे 10 से, तब क्या होना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अलर्ट पास करिए आप इस तरीके से, और इसमें आप क्या पास करिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट वो एक्स इज लेस देन कितना 10, एक्स इज लेस देन 10। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं 30 ना लिख के क्या लिखूंगा, एक्स, क्योंकि एक्स में हमारा वो डेटा है, तो आप यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे आ जाऊंगा, इसका एल्स क्या होगा, एल्स इसका मैं लिख देता हूँ अलर्ट नंबर इज, यहाँ पे लिखता हूँ नंबर इज टू लार्ज लिख देता हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे यानी कि दोनों कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तब हमारा एल्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, मैं यहाँ पे कंट्रोल ओ करूंगा यहाँ पे आके, और जो हमारा सब कौन सा एल्स इफ, यानी कि ये वाला जो है हमारा, इसको मैं ओपन विद गूगल क्रोम कर लूंगा। यहाँ पे देख लीजिए ओपन विद गूगल क्रोम, तो ये देखिए क्या आया, एक्स इज ग्रेटर देन 10, यानी कि हमारी पहली वाली कंडीशन प्रूव हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ये चीज अगर मैं फॉल्स कर देता, यानी इसको मैं बस इधर कर देता, तो अब कौन सी कंडीशन हमारी रन होगी, अभी भी हमारी क्या रन होगी, अब ये हमारी रन होगी। ओके, यानी कि हमारा यहाँ पे जो है कंडीशन क्या आएगा कि एक्स हमारा लेस देन 10, अगर हमारा एक्स इज लेस देन 10, यहाँ पे मैं यहाँ पे ग्रेटर देन रखता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मैंने लेस देन लगाया था ना, यहाँ पे मैं 30 की जगह कुछ और रखूँ, यानी कि 30 जगह मैं रखता हूँ 9। ओके, 30 की जगह मैं 9 रख दूंगा, तो अब देखिए यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलेगी। यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ मैं अपने पेज को, यहाँ पे जो हमारा पेज कहाँ पे ओपन है मैं देख लेता हूँ, और पेज हमारा कहाँ पे ओपन है, यहाँ पे ओपन है ना,
ये देखिए क्या लिखा है, x इज लेस देन 10, यानी कि अब हमारा दूसरा वाला कंडीशन चल रहा है, ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन जो कह रहा है, यानी कि कंडीशन से हमारा ये चेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन 10, हम लोग चेक करें, अगर x इज ग्रेटर देन, यानी जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे जो 10 है, 9 है, वो 10 से बड़ा है, अगर वो 10 से बड़ा रहेगा तब तो ये चलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं 90 अगर कर दूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यानी पहली वाली हमारी कंडीशन चलेगी, ये देखिए, है ना। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप इसी तरीके से कंडीशन, यानी x इज ग्रेटर देन 10, अब इस वाले f की बॉडी की कंडीशन चल रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको x को छोटा कर रहा हूँ 10 से, तो अब हमारे इसमें जा रहा है, यानी दूसरी वाली कंडीशन में जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से आप कंपेरिजन पास कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नोट करने वाली बात यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर की है दोस्तों, कि एक का स्ट्रक्चर कैसा होता है और एल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए। आप चाहें तो इसमें एक और कंडीशन लगा सकते हैं, ओके, यहाँ पे कंट्रोल सी कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक और कंडीशन लगाइए, कंट्रोल भी करिए, और यहाँ पे एक्स इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू 10, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 पास करता हूँ, यहाँ पे मैं 10 पास कर दूंगा, ताकि हमारा देख लेता हूँ कौन सा कंडीशन अब चलेगा। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा तो देखिए एक्स इज लेस देन 10, यहाँ पे ये वाला कंडीशन चल रहा है आपका, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्स इज लेस देन, नहीं, एक्स इज इक्वल 10, इक्वल टू 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 10, यानी जो हमारा एक्स है वो 10 के बराबर है। तो देखिए ये वाला कंडीशन अब चलेगा, एक्स इज इक्वल टू 10, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें स्टेटमेंट जा रहा है, इसको भी चेक करने के बाद ये भी कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो आप कहाँ जा रहा है स्टेटमेंट हमारा, ये यानी जो ट्रू है आपका वही एग्जीक्यूट करेगा दोस्तों यहाँ पे, है ना दोस्तों। यहाँ पे आप लोग को आई होप समझ में आओगे दोस्तों, एलसीफ एलसीफ क्यों लगाते हैं हम लोग, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन जब लगाना होता है दोस्तों, तब आप एलसीफ का यूज करते हैं ना, यानी एक से ज्यादा कंडीशन हमें चेक करना है, यानी कि हमें चेक करना है कि एक्स की वैल्यू अगर 10 से बड़ी है तब तो ये प्रिंट होगी, अगर 10 से छोटी है तब तो ये प्रिंट होगी, लेकिन अगर 10 के बराबर है तब ये प्रिंट होगी हमारी, है ना। यहाँ पे देखिए मैं इसको x को बड़ा करता हूँ, तो हमारा जो पहला वाला यानी ये वाला अलर्ट है वो प्रिंट होगा, x ग्रेटर देन 10, ये देखिए x ग्रेटर देन 10, लेकिन अगर मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ यानी 9 करता हूँ, तो अब कौन सा प्रिंट होगा, ये वाला प्रिंट होगा, यानी x लेस देन 10, ये देख लीजिए। लेकिन अगर मैं x के बराबर करता हूँ, यानी x को मैं 10 के बराबर करता हूँ, तो देखिए तीनों में 10 से ही कंपेरिजन किया जा रहा है, लेकिन छोटा बड़ा और इक्वल टू देखा जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या प्रिंट आएगा, x इज इक्वल टू 10, यानी जो तीसरी वाली कंडीशन है वो यहाँ पे चेक हो रही है, यानी कि आप एक साथ तीनों डेटा चेक कर सकते हैं, छोटा बड़ा और इक्वल टू, ओके। अगर इसमें से कुछ नहीं हुआ तब कहाँ जाएगा हमारा कंडीशन, यहाँ पे जाएगा एल्स में, है ना। तो आपको एल्स इफ का यूज तभी करना है जब आप एक बार इफ का यूज कर चुके हो, यानी कि आपको एल्स इफ तब लिखना है जब आपका इफ का कंडीशन लग गया हुआ एक बार, है ना। तो एक बार कंडीशन लगने के बाद ही आप एल्स इफ का यूज करेंगे, ओके दोस्तों। तो इसको आप कई बार कंडीशन लगाने के लिए हम लोग एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, यानी कि हमारे हमें अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तब हमें एल्स इफ का यूज करना है दोस्तों। आपको यहाँ पे ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे, और आगे हम लोग प्रोजेक्ट में जब यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ओके दोस्तों। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आओगे दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।